ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप चमत्कारी ढंग से अपना वजन घटा सकते हैं वाटर फास्टिंग से। तो वाटर फास्टिंग क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, शरीर से प्रदूषित तत्वों को बाहर निकालने के लिए फास्टिंग एक अच्छा विकल्प है। यह कई तरह से होती है, जैसे कुछ लोग नमक, अन्न, जल इत्यादि चीज़ें छोड़ देते हैं, ऐसी वाटर फास्टिंग भी होती है जिसमें व्यक्ति सिर्फ पानी पर रहता है। इसकी अवधि अलग अलग हो सकती है, जैसे शुरुआत के लिए सिर्फ एक दिन काफ़ी है, धीरे धीरे आप इस अवधि को बढ़ा भी सकते हैं। वाटर फास्टिंग के दौरान आप सिर्फ पानी पीते हैं, किसी भी प्रकार का अन्न या पेय ग्रहण नहीं करते। इससे आपके शरीर में कई सारे परिवर्तन आते हैं, जैसे वजन कम होना, गंदगी साफ होना, कई तरह की बीमारियों या चोट पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो वाटर फास्टिंग के सबसे पहले तो मैं फ़ायदे आपको बता दूं और कैसे करनी है वो भी हम आपको बता देंगे। पहले तो आपको वाटर फास्टिंग की तैयारी करनी पड़ेगी। वाटर फास्टिंग करने के लिए सबसे पहले मानसिक रूप से तैयार होना बहुत ज़रूरी है। शुरुआती दिनों में इसे करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत हो जाती है और ये आपके लिए आसान हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप 2-3 दिन पहले से ही अपने आहार तथा अपने दिनचर्या में अनुशासन ले आए। अब वाटर फास्टिंग करें कैसे? इसके लिए कम से कम 2 लीटर पानी रोज़ाना आपको ज़रूर पीना है। इससे आपके शरीर को पानी में मौजूद पौष्टिक तत्व ही मिलेंगे, क्योंकि वाटर फास्टिंग में आप इसके अलावा कुछ और नहीं ले सकते हैं। इसमें मौजूद तत्व आपके शरीर से गंदगी और कीटाणु बाहर निकालने में आपकी मदद करते हैं। अगर आप चाहें तो पानी में नींबू के टुकड़े भी डाल सकते हैं। इससे ना सिर्फ एक स्वाद आ जाता है बल्कि आपके शरीर के लाभकारी भी है। वजन घटाने में सॉलिड मदद करता है। जो लोग लंबे समय तक इसे करते हैं उनका वजन बहुत तेज़ी से कम होता है। इसे करने से रोज़ करीब 1 पाउंड वजन घट जाता है, मतलब एक रेगुलर शुरू होने के बाद। इसलिए आपको ये तय करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका वजन कम है या आपकी शारीरिक संरचना के मुकाबले शरीर में मांस की कमी है तो किसी विशेषज्ञ की सलाह पर ही आप इसे करिए। हमारे वीडियो देख के आप मत कीजिए। वाटर फास्टिंग के तरीके आपको डॉक्टर बताएंगे। इस दौरान अपनी सांसों पर नियंत्रण पाने की कोशिश करें और अपनी त्वचा को सूखे कपड़े से रगड़ कर साफ करें ताकि त्वचा में जमा मृत कोशिकाएं निकल जाए। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।